जो आज रोहतक रैली है, चलो रोहतक पहुंचो रोहतक, युवाओं में जोश और पूरे हरियाणा में जोश भरा हुआ है, उस जोश को आप किस नज़र से देखते हैं? ये हरियाणा में बदलाव के जो चिन्ह है, प्रतीक है उसके, कि आने वाला समय हरियाणा के अंदर किधर किस दौर में किधर जाने पटरी बांधेगा, ये आज वो उत्साह बता रहा है कि हरियाणा बदलने जा रहा है। और हरियाणा भी हरियाणा की जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए वो करना चाहता है जो दिल्ली में हो रहा है, जो आज पंजाब में हो रहा है। रोजगार समस्या सबसे बड़ी, शिक्षा बहुत बड़ा सवाल बना है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है हिंदुस्तान के अंदर, जो सरकारी आंकड़े हैं जो बीजेपी सरकार बता रही है, 36% से ज्यादा ऊपर हरियाणा के अंदर है। क्राइम रेट भी आज हम सबसे आगे चले गए हैं। और इसी तरह जो स्वास्थ्य सेवाएं का भट्ठा बैठ चुका है बिल्कुल ही, ये मूल जो जरूरतें हैं लोगों की, आज वो पंजाब ने एक दिशा दी है, दिल्ली ने एक दिशा दी है, केजरीवाल की नीतियों ने एक दिशा दी है, तो करवट ले रहा हरियाणा। और वो करवट किस रुख बैठेगा ये जो हरियाणा, वो उसका आज संदेश देने के लिए लोग इकट्ठे होंगे रोहतक के अंदर। तो आप कितनी गाड़ियां और कितने साधन लेके जा रहे हैं? अभी गिन लो आप, अभी तो आ रहे हैं पीछे हमारे, ये सारे साधन वहीं जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो हमारे साथ नहीं, अलग भी जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि रास्ता भी अलग अलग है, सड़कें टूटी हुई हैं। आपको पता है कि यहाँ सीमेंट से आगे हिसार की तरफ जाने का रास्ता ही नहीं है कोई भी, तो कुछ लोग जो है दूसरे रास्तों से भी जाएंगे। रोड की आपने बात करी, सूर्य वाला मोड़ से लेकर जब लोग निकलते हैं वो एक सोचते हैं कि हम पाकिस्तान में आ गए, ऐसा क्यों हो रहा है हरियाणा में? नहीं, पाकिस्तान क्या, वो वहां से निकलते नहीं ना, लोग बंद करके निकलना, वो तो मजबूरी में जो वहां फंसे हुए लोग हैं, जैसे बीमे वाला है, चित्तैन है, बिठपड़े के लोगों को जब आना है यहाँ, तो फिर उस रास्ते से गुजरना उनके, जहाँ मजबूरी है जिनको पता नहीं, और सूर्य वाले मोड़ से आगे आ चुके, जहाँ इधर से जो चले गए सीमेंट से आगे गुजर गए, जिनको पता नहीं सड़क की हालात क्या है वो फंसते हैं, जिनको पता है वो इस सड़क पर जाता नहीं अब कोई भी। और ये सिर्फ यही सड़क नहीं है, यहाँ से जाकर अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो पंजाब के बॉर्डर के ऊपर टाउन है, आज तक मेरे को उसको मैं लावारिस वोटों की एक मंडी या वोटों की एक जो जगह के अलावा किसी राजनीतिक पार्टी ने उसके बारे में सोचा ही नहीं कभी। फ्लड की सबसे ज्यादा मारक उस इलाके के अंदर रहती है जो घर नुकसान करती है, उसके अलावा वहाँ कोई मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ, फिर आपके कुला, हमारी सब तहसील बनाई हुई है, कुला के अंदर कोई सुविधाएं नहीं है, कोई परमानेंट वहाँ जो ऑफिसर चाहिए, 7 डॉक्टर्स की वहाँ अपॉइंटमेंट है, वहाँ जो एक PSC बना हुआ है, एक डॉक्टर है वो भी कभी कभी कबार आते हैं, तो आना के हॉस्पिटल की ये याद। सड़कों के साथ साथ अगर टोटल जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं होती है उसकी तरफ निगाह मारोगे तो पूरे टोहाना के अंदर भट्टा बैठा हुआ है, और ये टोहाना हरियाणा का एक हिस्सा है, पूरे हरियाणा की हालत यही है जो टोहाने की हालत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। टोहाना की स्थिति तो ऐसी नजर आ रही है, चंडीगढ़ से टोहाना इंटर जब पंजाब से होते हैं तो सिर्फ मात्र 2 घंटे लगते हैं, टोहाना जब इंसान घुस जाता है उसको 2 घंटे लगते हैं, ऐसा क्यों? जहां पर यहाँ पे दिग्गज नेता मंत्री तक यहाँ पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे रह चुके, 3-3 कहते हैं बड़ी धराएं यहाँ पर हैं, उसके बाद इतना हबराहाल क्यों है? रूलिंग पार्टी के मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री होते हैं, पंचायत मंत्री जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा फंड होते हैं, खाने की बहुत सुविधाएं होती हैं उनके लिए, और उसके अलावा एक चेयरमैन है वहाँ, वो भी रूलिंग पार्टी के, जो पहले अध्यक्ष थे रूलिंग पार्टी के, और जहाँ JJP के भी अध्यक्ष हैं इसी इलाके से हमारे से, हमारी बड़ी खुशकिस्मती टोहाना के लोगों की। हाँ, इन पार्टियों ने इन सालों के अंदर जो किया, एक मिल थी हमारी बुना में, शुगर मिल थी, आज लोग याद करते हैं, जो मेरे टाइम में हम लेके आए थे जब मैं MLA बना था, उसको बेच के खा गई है बुना शुगर मिल थी, बहुत बड़ी यहाँ की रोजगार का साधन था, और खेती के अंदर डाइवर्सिफिकेशन जो आज सबसे बड़ी जरूरत है उस दौर में शुरू हुई थी, वो खत्म कर दी उन्होंने, 1000 लोगों को रोजगार यहाँ पर, एक प्लाई फैक्ट्री हुआ करती थी। हाँ, वो मेहरबानी चौटाला साहब की हुई कि पोल्यूशन के नाम से, पोल्यूशन बोर्ड जो ऊपर से बार बार उसको बंद करवाया गया, तो उनके हाथ खड़े हो गए, हाथ खड़े होने के बाद वो फैक्ट्री बंद होगी, और हजारों के नहीं, लगभग हर एक महीने के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा बाजार में रुपया आता था जो लोग वहां से अर्न करते थे और इस बाजार के अंदर खर्च करते थे, तो वो मार्केट अंदर जो रुपया आता है, जो लेन देन होता है, जिससे प्रोडक्शन भी आगे बढ़ती है, वो सब चीजों के ऊपर उसका असर होता है। एक आम नागरिक ने अगर कोई टैक्स भरना हो नगर पालिका, वो टैक्स मिनट में भरवा लेती है। कृषि मंत्री परमबीर जिन्होंने कॉलोनी काटी हुई है, करोड़ों रुपए उनकी तरफ बकाया है, और जनता में जाकर वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं, जब वो खुद ही
पैसा नहीं भर रहे तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये टोहाना का दुर्भाग्य है कि टोहाना के अंदर मेरे ख्याल सब हरियाणा में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन थी और सबसे ज्यादा कस्टोडियन की जमीन थी। और टोहाना के अंदर अगर पुराने टोहाना शहर की हाल देखोगे आप जो यहाँ जो लोग हैं बसने वाले, किसी को दो गज का मैदान को मुहैया नहीं कराया गया। वो वक्फ बोर्ड की पूरी जमीन है और कस्टोडियन की जमीन। जो भी राज सत्ता के अंदर लोग आए, शुरू में कांग्रेस की सत्ता रही, सत्ता के लोगों उन्होंने उसको बेच खाया, उसके बाद चार पांच फैमिलियों के बाहर वो प्रॉपर्टी किसी के पास गई नहीं है। जबकि यहाँ अगर पुराने शहर के अंदर देखो, छोटे छोटे दुकानदार बहुत छोटे घरों के अंदर रहते हैं, सभी कास्टों के लोग, कुमार, लोहार, सुनार, एससी, बीसी, इवन के ब्राह्मण, बढ़िया तक अगर पुराने शहर के अंदर देखोगे, उन किसी को दो मरले जमीन अलॉट नहीं की इन्होंने, और वो सारी कस्टोडियन की जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन इन बड़े घरानों के द्वारा बेच दी गई और खा ली गई। ये स्थिति बनी हुई है। और टैक्सों की चोरी तो करेंगे, वो सत्ता के अंदर रहे हैं ना, अबालों को पूछता है ना पहले वालों को पूछता है। जो गरीब आदमी जिसने मकान बनाया हुआ है, मकान बनने के साथ ही उसके नोटिस आने शुरू हो जाते हैं और उसे भरवाए भी जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो ये भ्रष्टाचारी मंत्री हैं जिन्होंने पैसा पब्लिक का खा रखा है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी? वो तो पंजाब के अंदर उदाहरण है, तरीके तरीके हो रही, व्हीलर्स रोज अंदर डाल रहा पकड़ पकड़ के लोगों को, तो भ्रष्टाचार करे इवन के पंजाब के अंदर। तो आप आम आदमी पार्टी का भी MLA या मिनिस्टर अंदर किए कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी के ऊपर बल्कि वहाँ काम कर रहे हैं, और वो काम हरियाणा के अंदर भी होगा, हम ये आश्योर करते हैं। जो पार्टियों का हिस्सा है और उसको यहाँ लागू करेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।